थोड़े रन क्या बना लिया, बहुत उछल रहा है। घमंडी बेस्टों को सरफराज और गिल ने उसकी औकात दिखाई। जी हां, भारत और इंग्लैंड का जो ये श्रृंखला रहा भैया, इसमें गर्मा गर्मी भी हमें देखने को मिली। पहले जेम्स एंडरसन का बयान वायरल हुआ खूब तेजी से कि 700 भी अगर भारतीय टीम टारगेट दे देगी तो हम उसको चेज डाउन कर ले जाएंगे, हमारे बल्लेबाजों में दमखम है। ये भारतीय मीडिया के गले के नीचे बात नहीं उतरी एंडरसन की। सबने ये समझा कि एंडरसन की जो टीम है, इंग्लैंड की जो टीम है, वो भारतीय स्पिनरों को हल्के में आंक रही है। फिर अंत जब हुआ तो भैया ये अंत भी काफी तीखे तरीके से, तीखे अंदाज में हुआ। जॉनी बेस्टो को भैया भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर लताड़ लगाई फील्ड पर। अगर हम बात करें इंसिडेंट्स की जो गिल, सरफराज और बेस्टो के बीच में हुआ, तो बेस्टो जब बल्लेबाजी कर रहे थे, अश्विन को दो छक्के लगाकर जब वो पूरे शैली में दिख रहे थे कि अब रन बनाएंगे, और ऐसा सिलसिला बेस्टो पहली बार नहीं कर रहे थे, हर एक मुकाबले में श्रृंखला में लगा बेस्टो भैया इस बार बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन उनको गुगलीज नहीं समझ में आती थी, उनको अश्विन्स के वेरिएशंस नहीं समझ में आते थे, उनको ये नहीं पता चलता था कि किस गेंद को फ्रंट फुट पर खेलें, किस गेंद को बैक फुट पर आकर खोलें। और ये जो उनके दिमाग में दुविधा थी, असमंजस थी, स्टार्ट मिलने के बाद भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। यही सब बड़े कारण थे। और चौथे टेस्ट मुकाबले में भी वही सिलसिला जारी रहा। पहले पारी में 39, दूसरे पारी में भी अश्विन को दो दो छक्के लगाए। उसके बाद उनका दिमाग, उनका तेवर भैया गरम हो गया और उन्होंने गिल को बुलाया, इधर आ इधर आ। तो गिल पास में आते हैं बेस्टो के, तो बेस्टो बोलते हैं कि व्हाट यू हैव सेड टू जेम्स एंडरसन, यू हैव सेड हिम टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बट ही बोल्ड यू द नेक्स्ट डिलीवरी। मतलब तुमने क्या जेम्स एंडरसन को बोला था, तुमने रिटायर होने के लिए बोला और अगली गेंद पर तुम्हें जेम्स एंडरसन बोल्ड कर देते हैं, वो इतना महान खिलाड़ी है। तो गिल उसका उत्तर देते हैं, उससे क्या हुआ, मैंने तो शतक ठोक दिया था, शतक मारने के बाद अगर कोई बोल्ड कर लेता है, इट डजंट मैटर्स टू मी। तब तक सरफराज पीछे से आकर बोलते हैं, गिल भाई ये बहुत उछड़ रहा है, थोड़े रन क्या इस मुकाबले में बना लिए, दो छक्के क्या मार लिए, बोली इसकी निकल रही है, बोलने लगा है ये भी। भैया ये जो वन लाइनर था सरफराज खान का, ये इस वक्त ट्विटर पे खूब जमकर वायरल हो रहा है, इसकी चर्चाएं हर जगह हो रही है, क्योंकि बेस्टो का पूरे श्रृंखला में यही सिलसिला था। थोड़े रन उनके बल्ले से लग जाते थे, थोड़े देर के लिए वो क्रीज पर टिकते थे, चौके और छक्कों की भरमार कर देते थे, 30 रन 35 रन में वो बड़े बड़े चौके और छक्के लगा देते थे, लगता था बेस्टो आ चुके हैं, अब खौफ में फील्डर आ जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम इवन बेस्टो के लिए कोई प्लान भी नहीं करती थी, क्योंकि ये तो सरफराज का बयान था। और पहली पारी में अगर हम रोहित शर्मा के बयान पर नजर डालें, उन्होंने जो वन लाइनर बेस्टो के लिए बोला था, साफ तौर पे वो वन लाइनर दिखाता है कि भारतीय टीम बेस्टो के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं करती है, क्योंकि पता है कि एक न एक गलती करेंगे, उनको दुविधा है, उनको वो स्पिनर्स के वेरिएशंस को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, एक दो चौके छक्के लगेंगे, उससे टेस्ट क्रिकेट में कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके बल्ले से बड़ी पारी नहीं आएगी। अगर हम रोहित शर्मा के कथन पर जाएं, तो रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को साफ तौर पर कहा कि भैया इसको तो कुछ भी डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आउट हो जाएगा, ये विकेट अपना फेंक देगा, पवेलियन का रास्ता 10 गेंदों पे अपना लेगा। और हुआ भी वैसे ही, पहले पारी में भी बेस्टो 39 रन बनाकर खेल रहे थे, लगा कि अब बेस्टो बड़ी पारी खेलेंगे, वहां वेरिएशन कुलदीप की नहीं समझ पाए। यहां पर भी वही हाल रहा, यहां पर तो लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे दूसरी पारी में, फिर बेस्टो चलता हो गए, बड़ी पारी नहीं आई, छोटी छोटी पारियां आई और इंग्लैंड के किसी भी काम नहीं आई वो पारियां। तो इस श्रृंखला में बेस्टो बहुत ही निराश कर गए हैं, लेकिन यह भी पता है सबको कि इंग्लैंड टीम बैच बॉल के तरीके से खेलेगी, बेस्टो को बैक करेगी, बेस्टो इंग्लैंड में जाएंगे रन करेंगे, लेकिन स्पिन के खिलाफ जो उनकी कमजोरी है वो कमजोरी बनी रही श्रृंखला में भी, वो कर कुछ नहीं पाए, लेकिन बड़ी बातें जरूर करते थे। तो ये जो जंग हमें देखने को मिला, ये तीखी नोक झोंक हमें जो देखने की मिली सरफराज गिल रोहित बेस्टो के बीच भैया, उसने इस श्रृंखला की दिलचस्पी बढ़ा दी, इस श्रृंखला के तेवर को बढ़ा दिया, इस श्रृंखला के कह सकते हैं अहमियत को बढ़ा दिया, और बहुत ही बेहतर यह श्रृंखला भारतीय टीम के लिए गुजरी है। वहीं बैच बॉल का जो घमंड था वो टूट कर चकनाचूर हो गया,
बेस्टो जैसे खिलाड़ियों को उनकी औकात पता चल गई कि स्पिन के खिलाफ वो बेहतर खिलाड़ी नहीं हैं। तो थोड़े बहुत रन, एक दो छक्के मारने से आप टेस्ट क्रिकेट के बेहतर खिलाड़ी नहीं हो जाते। आपको अपने डिफेंस पर भरोसा होना चाहिए, जो बेस्टो को अपने डिफेंस पर नहीं है। इस श्रृंखला में ये बात पता चले, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि भैया ये जो तीखी नोक झोंक बेस्टो गिल और सरफराज के बीच हुई वो कैसी आपको लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।